फाइवर्स जो है पांच जापानी शब्द हैं या पांच जापानी वर्ड्स हैं जो कि लेटर एस से स्टार्ट होते हैं, उनसे मिलके बना है, जिसमें फर्स्ट एस है सेरी, सेकंड इज सीटोन, थर्ड एस इज सीसो, फोर्थ एस इज सिकेत्सु एंड फिफ्थ एस इज सित्सु के। आपको अब इसको अंग्रेजी और हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी बताऊंगा। जैसे सेरी को हम बोलते हैं सॉर्टिंग या सॉर्ट, सही चयन करना या छटाई करना। सीटोन इज स्ट्रेटन और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सुव्यवस्थित तरीका या सुव्यवस्था। थर्ड एस इज शाइन और क्लीनिनेस, हिंदी में साफ सफाई या चमकाना। फोर्थ एस इज स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्डाइज्ड, हिंदी में सही मानकीकरण करना। फिफ्थ एस इज सस्टेन और सेल्फ डिसिप्लिन, हिंदी में स्वयं अनुशासन। तो हमने क्या जाना, फाइव एस पांच एस के जो वर्ड हैं उनसे मिलके बना है, सेरी सीटोन सीसो सिकेत्सु सिस्सु के। सॉर्ट स्ट्रेटन शाइन स्टैंडर्डाइज सस्टेन, हिंदी में सही चयन सुव्यवस्था साफ सफाई सही मानकीकरण स्वयं बारे अनुशासन। में दोस्तों, जो VSM है उसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, को भी हम इसको VSM के नाम से पुकारते हैं, कभी वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के नाम से पुकारते हैं। तो जान लेते हैं कि ये वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का क्या मतलब है। दोस्तों, वैल्यू का मतलब होता है मूल्य। मूल्य क्या है? जो चीज के लिए कस्टमर हमें पे करता है वो है मूल्य है या वैल्यू है। जिस भी प्रोसेस के लिए हमें कस्टमर पे कर रहा है वह वैल्यू कहलाएगी या मूल्य कहलाएगी। इसके बाद आता है स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा या प्रवाह या फ्लो, कि जो धारा बह रही है वो किस तरीके से बह रही है या जो फ्लो है वो कैसे चल रहा है। उसके बाद आ जाता है मैपिंग। मैपिंग का मतलब है मानचित्रण या सारी चीजों को मैप करना, उनको स्केच डाउन करना। तो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का मतलब हो गया कि जो हमारी स्ट्रीम है, वैल्यू स्ट्रीम है या मूल्य वाली धारा है, उस चीज को मैप करना। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग एक लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं हमारे प्रोसेसेस के अंदर या हमारी वैल्यू स्ट्रीम के अंदर विजुलाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का जो मुख्य काम होता है वह होता है किसी भी सिस्टम या किसी भी प्रोसेस या किसी भी प्रोडक्ट लाइन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर वेस्ट प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना। ये वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का काम होता है। दोस्तों, जब हम कहीं पर भी लीन मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो यह जो है सबसे वन ऑफ द स्टार्टिंग टूल्स होता है VSM। सबसे पहले हम 5S के साथ शुरुआत करते हैं अगर बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे है। अगर उस कंपनी के अंदर 5S ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है तो हम क्या करेंगे, VSM से इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। क्योंकि जब हम VSM करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट लाइंस के अंदर कहाँ कहाँ वेस्टेजेस है, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो इसलिए काइजन वैल्यू भी दोस्तों एक जैपनीज कॉन्सेप्ट है, जैपनीज प्रक्रिया है जो हमारे कार्यस्थल में या हमारे वर्क लाइफ में हमें डेली निरंतर सुधार के बारे में बताती है। वैसे काइजन दो जापानी शब्दों के साथ मिलके बना है, काई प्लस जेड। जैसा स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे, काई प्लस जेड। काई का मतलब होता है चेंज यानी कि बदलाव, जेन का मतलब होता है गुड। तो इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाए तो चेंज इज गुड या चेंज फॉर गुड या चेंज इज बेटर, अच्छे के लिए बदलाव करना। इसको हम कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ओके, एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के तहत सबसे पहले टोयोटा कंपनी में जापान में इस्तेमाल में लाया गया। फुकायोके की डेफिनेशन की बात करूं तो फुकायोके इज अ मैकेनिज्म इन एनी प्रोसेस दैट हेल्प्स एन इक्विपमेंट ऑपरेटर टू अवॉइड द मिस्टेक्स। मतलब कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो किसी ऑपरेटर को गलती करने से रोकता है। ओरिजिनली जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो इसको बाका योके कहा गया। बाका योके का मतलब होता है इडियट प्रूफ या फूल प्रूफ। ये इतना हार्श वर्ड था कि लोगों को ये अच्छा नहीं लगा तो इसलिए इसको बाद में चेंज कर दिया गया, फुका योके मिस्टेक प्रूफ। फुका योके जो है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, फोका प्लस योके। फोका का मतलब होता है मिस्टेक या गलती और योके का मतलब होता है अवॉइड या रोकना।
तो पोकोयो के को एक साथ पढ़े तो मिस्टेक प्रूफिंग, और हिंदी में इसको हम गलती से भी गलती ना हो या भूल कर भी गलती ना हो के नाम से जानते हैं। तो पोकोयो के को एज ए होल देखे तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी ऑपरेटर को गलती करने से रोक देती है या किसी भी व्यक्ति को गलती करने से रोक देती है। स्मैड को कुछ लोग SMED के नाम से भी जानते हैं। स्मैड की फुल फॉर्म होती है सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ टूल या डाई। स्मैड एक लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक ऐसा टूल है जो कि चेंज ओवर टाइम को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। चेंज ओवर टाइम का मतलब है कि जब हम एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और दूसरे प्रोडक्ट पे हमें जाना होता है, सपोज हम टाइप ए का पेन बना रहे हैं और हमें टाइप बी का पेन बनाना है, तो टाइप ए से बी पे जाने के लिए हमें मशीन के अंदर कुछ चेंज ओवर्स करने पड़ते हैं, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं चेंज ओवर टाइम। तो जो स्मैड टूल है हमारी इस मामले में मदद करता है कि हम चेंज ओवर को कैसे फास्ट करें और कैसे चेंज ओवर टाइम को रिड्यूस करें जिससे कि हमें ज्यादा टाइम मिले प्रोडक्शन करने के लिए। अब जो ये स्मैड है या सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई है, इसमें एक शब्द है सिंगल मिनट, जिसको लोग समझेंगे कि हमें चेंज ओवर जो है सिंगल मिनट के अंदर कर देना है, मतलब एक मिनट के अंदर कर देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंगल मिनट का मतलब है कि जो चेंज ओवर टाइम है उसको हमें 10 मिनट से कम में लेके आना है, मतलब सिंगल डिजिट में लेके आना है, वन डिजिट में लेके आना है। हमारी डे टू डे लाइफ में जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्मैड का या सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई का, वो है फॉर्मूला 1 कार रेसिंग। जब फॉर्मूला 1 कार रेसिंग के अंदर गाड़ी पिट स्टॉप पे आके रुकती है तो जितने भी उसके अंदर चेंजेस होने होते हैं, उसकी रिफ्यूलिंग होनी होती है, टायर चेंज होने होते हैं, वो विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं। दोस्तों KPI की फुल फॉर्म होती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ऐसे इंडिकेटर्स जो हमारी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के काम आए उन्हें हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं। की इसलिए कहा जाता है कि बेसिकली क्या है, इसके अंदर मेजर परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स डाले जाते हैं जिनको हम डिपार्टमेंट वाइज या इंडिविजुअली मेज़र कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के पर्पज़ से, मॉनिटरिंग के पर्पज़ से। दोस्तों अक्सर देखा यह जाता है कि जैसे मैं किसी कंपनी में गया तो मैंने वहाँ पूछा जी आपकी क्वालिटी कैसी है या आपका मेंटेनेंस कैसा है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कैसा है, तो लोग क्या जनरल सा जवाब देते हैं, जी बहुत बढ़िया है, हमारी क्वालिटी तो सर बहुत बढ़िया है, हमारा मेंटेनेंस एकदम बढ़िया चल रहा है। तो ये क्या हो गया, बड़ा ही मतलब बेतुका जवाब हो गया या अनप्रोफेशनल कह लीजिए, इलॉजिकल कह लीजिए, कि हमने सब्जेक्टिव बात कर दी कि जी सब बढ़िया है, ओके है। तो KPI क्या बताता है कि हमारा डिपार्टमेंट जो है कितना बढ़िया या कितना घटिया काम कर रहा है। दोस्तों एंडॉन एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है लालटेन या लाइट। एंडॉन सिस्टम जो है वो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम या लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंडर आने वाला एक टूल है जो कि जिडोका का मतलब होता है ऑटोनोमेशन, जिडोका मेथड के अंदर अप्लाई किया जाता है एंडॉन सिस्टम। बेसिकली एंडॉन सिस्टम क्या होता है, एंडॉन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो ऑपरेटर को एम्पावर करता है कि किसी भी समस्या की स्थिति में, मान लीजिए कि डिफेक्ट आ रहा है किसी प्रोडक्ट के अंदर लाइन पे चलते चलते या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो वो एंडॉन कॉर्ड को खींच सके या एंड ऑन बटन को दबा सके। इनिशियली क्या होता था, ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में एंड ऑन सिस्टम को लागू किया गया तो एक कॉर्ड होती थी ऑपरेटर के ऊपर, जैसा आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, एक इस तरीके से कॉर्ड होती थी असेंबली लाइन के ऊपर। जिस भी स्टेशन के ऊपर कोई समस्या आई तो ऑपरेटर उस कॉर्ड को पकड़ के खींच देता था और यह सिग्नल सीधा चला जाता था जहां प्रोडक्शन सुपरवाइजर या मैनेजर बैठे हुए हैं कि इस नंबर स्टेशन पे कोई ना कोई समस्या है, आपको जाके देखना है ताकि वो प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा जल्दी और आसान तरीके से रिजॉल्व हो सके।